Students, as we have discussed in the previous video, the circuit elements and the symbol used for the circuit diagrams. Now we will discuss Ohm's law. Ohm's law is given by the scientist Ohm, G.S. Ohm. What Ohm's law states? So today we will discuss Ohm's law. Ohm's law states that.

करंट ऑल्सो इनक्रीज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ओपन करते हैं देन इट कम्स आर हेयर आर इज द रेजिस्टेंस वट इज आर आर इज द रेजिस्टेंस अगर हम यहां से आर की वैल्यू को फाइंड आउट करें आर विल कम आउट वी अपॉन आई वियर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर इज द करंट एंड वट इज दूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट एंड यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियोर सो इट विल बिकम वोल्ट पर एम्पियोर एंड इन सिंबोलिक फॉर्म यूनिट ऑफ रेजिटेंस इज ओम एंड हाउ इट इज रिटर्न इट इज रिटर्न लाइक दस ठीक है तो ओम स्लो क्या कहता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है स मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं कितना वी वी बैटरी के साथ और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आई ठीक है तो अगर हम वी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है इंक्रीज करती है मान लीजिए V की वैल्यू है वन वोल्ट और करंट की वैल्यू है वन एम्पियर तो अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को वन वोल्ट से कितना कर देते हैं टू वोल्ट तो करंट भी हमारा कितना हो जाएगा टू एम्पियर मीन्स इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल ऑल्सो इंक्रीज ठीक है तो अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वी टेक करंट ऑन द एक्स एक्सेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द वाई एक्सेस Here see, अगर करंट की वैल्यू हमारी वन माइक्रो एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है टू वोल्ट टू वोल्ट पे करंट की वैल्यू कितनी आई वन एम्पियर ठीक है फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को से कितना कर दिया फोर वोल्ट तो करंट भी हमारा कितना हो जाएगा वन एम्पियर से टू एम्पियर तो पॉइंट विल कम हियर इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फोर से कितनी कर देते हैं सिक्स तो करंट की वैल्यू भी क्या जाएगी टू से थ्री अगेन इट इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस स्लोप रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस दिस स्लोप रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस और जो कंडक्टर्स ओम स्लो को फॉलो करते हैं जो कंडक्टर्स ओम स्लो को फॉलो करते हैं उन कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स क्या कहते हैं उनको हम ओमिक कंडक्टर्स टू ऑल ऑफ यू और जो कंडक्टर्स ओम स्लो को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं नॉन ऑमिक कंडक्टर्स अब बात करते हैं ये जो कॉन्स्टेंट है आर रेजिस्टेंस की इसे हम क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज अ ऑब्सटेकल इन द पाथ ऑफ द करंट इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस जब चार्जेस फ्लो करते हैं उन चार्जेस के फ्लो में जो रुकावट होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उन चार्जेस के बीच में जो रुकावट होती है उस रुकावट को हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस हिंड्रेंस प्रो हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ द चार्ज हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस और यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की ओम ठीक है अगर हम कहें कि रेजिस्टेंस इज वन ओम तो वन ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे देखिए आर की वैल्यू वन कब होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी वन वोल्ट और करंट की वैल्यू क्या होगी वन एम्पियर तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा वन ओम तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस इज सेट टू बी वन ओम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज वन वोल्ट एंड करंट इज वन एम्पियर मीन्स रेजिस्टेंस इज सेट टू बी वन ओम वेन पोटेंशियल डिफरेंस इज वन वोल्ट एंड करंट इज वन एम्पियर So, what we have discussed today? We have discussed today um, Ohm's law, resistance, and bar. Thank you.